कश्मीर के बारे में कहा गया है, गर फिरदौस बार रूए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फाइनली मैं कश्मीर पहुंच चुका हूं। कश्मीर बेसिकली आई एम इन श्रीनगर राइट नाउ, और मैंने अपनी अपनी लास्ट जर्नी पूरी कंप्लीट करके, जो मैंने वैष्णो देवी की चढ़ाई करी, मैं वहां से आकर डायरेक्टली वापस कटरा गया, और कटरा से मैंने अपनी जम्मू की बस ली, और जम्मू से अगेन मैं एक फोर व्हीलर करके, जो मुझे मिल नहीं रही थी, पर इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मैं श्रीनगर पहुँच ही गया। एंड एज अ सोलो ट्रैवलर यू हैव टू सेव अ लॉट ऑन दीज थिंग्स, बट इवेंचुअली मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने कुछ 1500 रुपये पे किए, और मैं फाइनली शेयरिंग कैब लेके, जो कि स्विफ्ट थी, वहाँ से सीधे मैं पहुँच चुका हूँ ऑल द वे श्रीनगर। तो अभी श्रीनगर घूमने वाले हैं। एक छोटी सी स्टोरी ये बतानी थी कि मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो एक्चुअली रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि मतलब बहुत ज़्यादा रात को रश भी था, और सुंदर था वो रास्ता बट बहुत ज़्यादा ख़राब था। करंटली अंडर प्रोग्रेस है, वो बन रहा है, जो श्रीनगर और जो कटरा और जम्मू के बीच का हाईवे है वो अभी बन रहा है। पर वहाँ से जब मैं आया और मैं जब यहाँ पर अपने रूम में पहुँचा, तो मेरी हालत जो थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरी मुंह में, हर जगह मेरी बॉडी पे इतनी मिट्टी लग गई थी कि मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। खैर, यहाँ पर पहुँचने के बाद अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मैं रात को जब यहाँ पर पहुँचा, रात को 3 बजे के आसपास, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसा माहौल था कि कर्फ्यू हो गया है यार यहाँ पर। मुझे मालूम नहीं था कि श्रीनगर इतना शांत रहता है। खैर, रात को 3 बजे मैं, सिंस मैं अपने होम टाउन इंदौर से जो बिलोंग करता हूँ वहाँ पर, और मैं जितनी भी जगह अक्सर ट्रैवल किया है वहाँ पर, रात को इतनी ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि शांति होती है। एक्चुअली यहाँ पर ना ऑटो थी ना कुछ था। इवेंचुअली मेरा जो ड्राइवर था, हालांकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पर उसने मुझे एक रात को रूम दिलवा के दिया। वो रूम मुझे ऐसा कोई खास पसंद नहीं आया, और लाल चौक में मैं जब उतरा, लाल चौक के पास में ही था वो, और वहाँ पर ऐसा कोई मोड ऑफ कन्वेंस नहीं है, ओला या उबर, जिससे आप ट्रैवल कर पाओ। तो मेरे को उसने रूम दिलवा के दिया, और फिर इवेंचुअली मैंने वहाँ पर रात को अपनी रात गुजारी। बिकॉज़ मैं अमृतसर से आया था, कटरा से आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, और बिल्कुल भी जान नहीं थी पैरों में और पूरे शरीर में। मैंने कुछ प्रॉपरली खाना नहीं खाया था, तो मैं रात भर सो गया। और मैंने फाइनली अगले दिन यहाँ से निकलकर ये सोचा कि मैं इस होटल में चला जाता हूँ, जो कि जमाल रिसॉर्ट है। बहुत अच्छा रिसॉर्ट है, अगर आप फैमिली के साथ रुकना चाहते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं रुका था यहाँ पर एक दिन के लिए, बिकॉज मैं हॉस्टल में रुकना चाहता था, बट हॉस्टल अवेलेबल नहीं था, और मैं ऑल द वे लाल चौक से होता हुआ फाइनली आ गया यहाँ पर डल लेक के पास में। डल लेक के पास में ही ये सारी चीज़ें हैं, जिसे हम निशात के नाम से जानते हैं, और निशात से थोड़ा सा मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको जमाल भी मिलेगा, और बहुत सारे लग्जरी रिसॉर्ट्स भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ हॉस्टल्स और चीप स्टेज भी मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। यहाँ पर कैसे आना है, चीप वे में कैसे ट्रैवल करना है। मैंने अक्सर देखा है कि कश्मीर को ये देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा
बजट फ्रेंडली नहीं है और यहाँ पर इतना इजीली हम ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और सोलो ट्रैवल का एक अलग ही मज़ा है नो डाउट, और उसमें हमको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और नई नई बातें पता पड़ती है। तो मैं आपको इसमें पहले अपन चलते हैं, बाहर चलते हैं अभी फ़िलहाल और घूमते हैं कश्मीर कैसा है, श्रीनगर कैसा है, और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर अकोमोडेशन कौन सा लें, कैसे आएँ, और क्या क्या यहाँ पर आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से स्ट्रगल्स, कौन से ऑब्स्टेकल्स आप रास्ते में फेस कर सकते हैं, बिकॉज़ रास्ते यहाँ के बहुत ख़राब है। और यहाँ पर कोई रेल की या इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल तो है, बट इतना इजीली भी नहीं मिलता है आपको। अगर आप ऑड टाइमिंग्स पे आ रहे हैं तो आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा जितने बड़े बड़े स्टेट से मिल जाता है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से मिल जाता है। सो उसके बारे में बात करेंगे आगे। अभी फ़िलहाल मैं फ्रेश होके यहाँ से सीधे निकलने वाला हूँ और चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कश्मीर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मुगल गार्डन्स में, बहुत पास में है यार ये डल लेक से जहाँ पर मैं रुका था। और एडल्ट की फीस यहाँ पे 24 रुपीज़ है, चाइल्ड की फीस यहाँ पे 12 रुपए है। अंदर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। सामने आप देखोगे काफी पहाड़ दिखेंगे और एक अलग ही ब्यूटी है यार यहाँ पे। आप जितनी भी जगह देखोगे यहाँ पर काफी फूल दिखेंगे, पौधे दिखेंगे और एक अलग ही माहौल है, इट्स इंजॉयबल। और यहाँ पर अगर आप अप्रैल के आसपास आते हैं तो आपको जनरली यहाँ पर ट्यूलिप्स देखने को भी मिलेंगे, डेफिनेटली। इस साइड पहाड़ और बहुत सही माहौल है यहाँ पर, एक बार तो मस्ट विजिट है। हालांकि मुझे पर्सनली गार्डन्स और ऐसी चीज़ें इतनी नहीं पसंद है जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट होते हैं, पर फिर भी अभी यहाँ पर आए तो एक बार तो ये घूमना बनता है, क्योंकि ये गार्डन जो था ये मुगल्स ने बनाया था इसलिए इसको मुगल गार्डन बोलते हैं। व्यूज देखो बस आप। यहाँ पर बैठ के फैमिली के साथ आप कुछ देर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हो। मैं तो अकेले आता हूँ तो मैं अक्सर ऐसे लोग ढूंढता रहता हूँ जो ऐसे टाइम पे मेरी पिक्चर्स खींच दें, पर फिर भी एक अलग ही वाइब है, मज़ा है। कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल सारे। राइट साइड व्यूज देखो, एकदम गजब के व्यूज है। खैर मैं एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली बाहर आ गया। एक्चुअली अंदर ज्यादा कुछ देखने को था नहीं, और आसपास यहाँ पे आपको काफी शॉप्स मिलेंगी, अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे डोसा ही खा लेता हूँ, बिकॉज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो अब खा के मैंने सोचा है कि मैं दूसरा गार्डन भी एक्सप्लोर करूं। फाइनली मैं निशात पे आ चुका हूं, सुमो करके, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पूरा डल लेक है, और पास में यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है छोटा सा, खाने पीने की यहाँ पे चीज़ें मिलती है। और वापस यहाँ पर सेम सिस्टम है, यहाँ पे आपको 24 रुपीज़ में टिकट मिलेगी और चाइल्ड के लिए 12 रुपीज़ है। ये गार्डन मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी मुगल गार्डन है पर इसका नाम निशात है, वो शालीमार था, ये निशात है। और चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है।
यहाँ के व्यूज कुछ ऐसे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये गार्डन, और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इट्स वेरी वेरी वास्ट। अच्छा प्लांटेशन किया हुआ है, और जिस हिसाब से दिख रहा है गवर्नमेंट अच्छे से इसको टैकल करती है यार, मतलब इतने बड़े गार्डन को संभालना इज नॉट इजी। यहाँ से ऑल द वे अब मैं अंदर जाने वाला हूँ, आइट साइड पहाड़ है, सामने डल लेक है, उसके सामने सनराइज और सनसेट आप दोनों यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप मॉर्निंग में कभी आते हैं या इवनिंग में कभी आते हैं। मेरा प्लान तो यही है कि मैं अभी आज रात यहीं गुजारूंगा, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा चलो गार्डन में ही घूम आते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। थोड़ा ऊपर चलने के बाद कुछ ऐसे व्यूज है यहाँ से, जस्ट सामने डल लेक दिखता है, और खैर सन इतना प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पाता है बिकॉज मेरे पास ND फिल्टर्स नहीं है, होते तो शायद दिखता प्रॉपर। और भीड़ बहुत है यार यहाँ पे, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर मज़ा बहुत है, नो डाउट। एक बार आ रहे हैं जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, और मेरे को उससे तो यार बहुत बढ़िया लगा ये वाला, ये वाली जगह, इसकी वाइब्स उस गार्डन से बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक बार तो मस्ट विजिट है। इतने सारी जगह है यहाँ पर फोटो खिंचवाने की कि आप भर के फोटो खिंचवा सकते हो। काफी सारे प्लांट्स, फूल अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको दिखेंगे, पर गर्मी बहुत है यार कश्मीर में, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी होती होगी, बट मे भी सब लोग बोल रहे हैं कि इस बार कश्मीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और मुझे नहीं मालूम क्या है, पर ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेटली एक इफेक्ट दिख रहा है अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत तीखी धूप है यहाँ पर। यहाँ पर भी वैसा ही माहौल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आसपास, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक ही जगह पे आपको पहाड़ भी दिखेगा, गार्डन भी है इतना बड़ा, उसके अलावा आपको सामने लेक भी दिखेगा, तो इसका जो माहौल और व्यू बनता है ना वो बहुत औसम है। लिटरली कैमरा इन चीज़ों को बयान नहीं कर सकता है कि ये व्यू कितने सही होते हैं, और मैं तो अभी गर्मी के टाइम पे आया हूँ, पर स्नोफॉल जब होती होगी यहाँ पे, स्नो होती होगी तो शायद इतना धूम नहीं होता होगा ये, और स्नो ही स्नो होगी यहाँ पर डेफिनेटली, तो वो भी एक अलग ही इंजॉयबल वेदर है। कोशिश करूंगा कि मैं उस टाइम पे आ पाऊँ। यहाँ पर कश्मीरी ड्रेसेस हैं काफ़ी सारी जिसको पहन के आप फोटो खिंचवा सकते हो, अलग अलग तरीके के फूल हैं। मतलब इतना मस्त गार्डन है कि यार यहाँ पे सो जाओ आप और लेट ही रहो।
मैं एक्चुअली लिटरली यहाँ पे रात तक ही रुकना चाहता था, जस्ट बिकॉज मुझे ये माहौल देखना था कि रात को यहाँ पर कैसा होता है। एंड फाइनली रात होना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर रात 8, 8:15, 8:30 के आसपास होती है, और कुछ ऐसा माहौल है। स्टिल कैमरा वो कैप्चर नहीं कर सकता है जो आंखें देखती है, बट इट्स रियली अमेजिंग। रात को ऑब्वियस ही बात है थोड़ा ठंडा माहौल है और अच्छा लग रहा है यार। सामने कुछ ऐसा माहौल है और इधर रेन शावर सॉरी रेन डांस भी होता है, कुछ रेन डांस नहीं शावर डांस ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम वो होता है। ऑल राइट गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, और आने वाले वीडियोज़ में, अभी मैं 4-5 दिन यहाँ पे और रुकने वाला हूँ, तो आने वाले वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली सब कुछ बताऊँगा यहाँ पर कैसे आके रुके हैं, कैसे आए यहाँ पर चीप वे में, यहाँ पर क्या क्या खाएं और क्या क्या जगहें यहाँ पर आप आके घूम सकते हो, और क्या क्या यहाँ पर आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो आपने लास्ट में शिकारा राइड देखी, बेसिकली जो एक बोट देखी उसको शिकारा राइड बोलते हैं यहाँ पर, और कल मैं वही एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वहीं जाने वाला हूँ। देखते हैं कैसा माहौल रहता है, हालांकि दिन को बहुत ज़्यादा धूप रहती है यार, बट स्टिल मेरा प्लान यही है कि कल मैं अपने ये जमाल से निकल के जोस्टल में जाऊंगा, बिकॉज़ जोस्टल आज तो नहीं मिला मुझे, पर कल के लिए मुझे डेफिनेटली वो मिल चुका है, और कल जाके मैं अपने बैग वहाँ पर रख कर और सीधे जाऊँगा शिकारा राइड के लिए, और मैं उसमें आपको सारी डिटेल्स भी दूंगा डेफिनेटली कि कैसे वहाँ पर पहुँचे और कितना सस्ता या किस रेट में मुझे वो शिकारा राइड पड़ेगी, वो कल के वीडियो में जानते हैं। और आने वाले डेज़ में गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम ऑल्सो आई विल गो, एंड वहाँ के व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरी फैमिली पूरे ख़ानदान को दिखाइए प्लीज़, बिकॉज़ एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यू डेफिनेटली नो दिस, और ये एक मेरा मतलब एक पैशन है, कि ठीक है मैं मेरी मतलब हमेशा से इच्छा ये रही है कि मैं अगर कहीं जाऊं तो मैं उसको शूट करूं, उसको एक प्रेजेंटेबल वे में दिखा पाऊं और आप लोगों को भी अच्छा लगे। और काफ़ी लोग हैं इस दुनिया में, बहुत मेजरली इंडिया में, जो घूम नहीं सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस इश्यूज या कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, हैंडीकैप्ड होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ये जर्नी एज मेरी आंखों के द्वारा इन्जॉय कर सकें, बजाय ज़्यादा एडिट्स, बजाय सारी चीज़ें उसमें डाल के, मैं थोड़ा रॉ कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, कि अगर आप यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होते तो आपको वो चीज़ें कैसी दिखती। तो ये एक तरीके का हमेशा मैं वर्चुअल टूर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डालिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम इन दी बेस्ट वे पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।